विष्णु भट्ट गोसे के अनुसार रानी नाश्ते से पहले भारोत्तोलन, कुश्ती और स्टीपलचेजिंग का अभ्यास करती थी। एक बुद्धिमान और साधारण कपड़े पहनने वाली महिला, वह एक व्यावसायिक तरीके से शासन करती थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। जब विद्रोह की खबर झांसी पहुंची, तो रानी ने ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर स्कीन से अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुरुषों की एक टुकड़ी जुटाने की अनुमति मांगी। स्कीन इस पर सहमत हो गए। 23 अठारह की गर्मियों में क्षेत्रीय अशांति के बीच शहर अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन रानी ने अपने विषयों को आश्वासन देने के लिए झांसी की सभी महिलाओं के सामने हल्दी कुमकुम समारोह धूमधाम से आयोजित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज कायर थे और उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। 24-25 इस बिंदु तक लक्ष्मी बाई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अनिच्छुक थी। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने झांसी के स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया, जिसमें खजाना और पत्रिका थी। 26 और अंग्रेजों को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा करके हथियार डालने के लिए राजी करने के बाद उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और गैरिसन के 40 से 60 यूरोपीय अधिकारियों और उनकी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर दी। इस नरसंहार में रानी की संलिप्तता अभी भी बहस का विषय है। 27-28 सेना के एक डॉक्टर थॉमस लो ने विद्रोह के बाद उन्हें भारत की इजेबेल, युवा रानी जिसके सिर पर मारे गए लोगों का खून था, के रूप में चित्रित किया। नरसंहार के 4 दिन बाद सिपाहियों ने झांसी छोड़ दी। उन्होंने रानी से बड़ी रकम हासिल की और उस महल को उड़ाने की धमकी दी जहां वह रहती थी। इसके बाद शहर में अधिकार के एकमात्र स्रोत के रूप में रानी ने प्रशासन संभालने के लिए बाध्य महसूस किया और सागर डिवीजन के कमिश्नर मेजर एरस्किन को उन घटनाओं के बारे में बताते हुए पत्र लिखा जिनके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। 32 जुलाई को एरस्किन ने जवाब में लिखा, उसे ब्रिटिश अधीक्षक के आने तक ब्रिटिश सरकार के लिए जिले का प्रबंधन करने का अनुरोध किया। 31 रानी की सेना ने विद्रोहियों द्वारा प्रतिद्वंद्वी राजकुमार सदाशिव राव, महाराजा गंगाधर राव के भतीजे के सिंहासन पर दावा करने के प्रयास को विफल कर दिया, जिन्हें पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। इसके बाद कंपनी के सहयोगी ओरछा और दतिया की सेनाओं ने झांसी पर आक्रमण किया, हालांकि उनका इरादा झांसी को आपस में बांटना था। रानी ने अंग्रेजों से सहायता की अपील की, लेकिन अब गवर्नर जनरल का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी और कोई जवाब नहीं मिला। उसने किले की दीवारों पर इस्तेमाल की जाने वाली तोपों को ढालने के लिए एक ढलाई खाना स्थापित किया और झांसी के कुछ पूर्व सामंतों और विद्रोहियों के कुछ तत्वों सहित सेना को इकट्ठा किया जो अगस्त 1857 में आक्रमणकारियों को हराने में सक्षम थे। इस समय भी उसका इरादा अंग्रेजों की ओर से झांसी पर कब्जा करना था। अगस्त 1857 से जनवरी 1858 तक रानी के शासन में झांसी में शांति थी। अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए वहां सेना भेजी जाएगी, लेकिन कोई भी सेना नहीं पहुंची, जिससे उनके सलाहकारों के एक दल की स्थिति मजबूत हुई जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता चाहते थे। जब ब्रिटिश सेनाएं आखिरकार मार्च में पहुंची, तो उन्होंने पाया कि यह अच्छी तरह से सुरक्षित है और किले में भारी तोपें थीं जो शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों पर फायर कर सकती थीं। एक स्रोत 33 के अनुसार ब्रिटिश सेना की कमान संभाल रहे ह्यू ग्रोव्स ने शहर के आत्मसमर्पण की मांग की, अगर इसे अस्वीकार कर दिया गया तो इसे नष्ट कर दिया जाएगा। वही स्रोत 34 दावा करता है कि उचित विचार विमर्श के बाद रानी ने एक घोषणा जारी की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, अगर हम विजयी होते हैं तो हम जीत का फल भोगेंगे, अगर युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत गौरव और मोक्ष अर्जित करेंगे। अन्य स्रोतों, उदाहरण के लिए 35 में आत्मसमर्पण की मांग का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ झांसी की रक्षा की जब सर ह्यू रोज ने 23 मार्च 1858 को झांसी की घेराबंदी की।